बड़ी सफलता है। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि फरसपाल और फुलगट्टा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिलिशिया प्लाटून एरिया कमेटी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 13 और एरिया कमेटी फरस के वहां जमा हो रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहीं पे बेचापाल कैंप खुला है उसके ऊपर हमला करने की। जो फरसपाल में काफी सारे प्रोटेक्टिव हमारे हैं और रेलवे ट्रैक है जिसपे लगातार ये लोग वॉकी टॉकी लूटना, ट्रेन गिराना, सिविल ट्रेन गिराना, उसमें लगे हुए हैं। इस सूचना पे आज पार्टी भेजी गई। जब पार्टी वहां पहुंची तो वहां पे करीब 30 से 40 माओवादी थे, जिसमें कि शंकर जो है भैरमगढ़ LOF कमांडर शंकर कारम और बलदेव एरिया कमेटी सदस्य, उसको उन्होंने पहचाना और इनको पहचानते ही उनकी तरफ से फायरिंग हुई तो पुलिस ने उसको जवाबी फायरिंग दिया। मिलिशिया प्लाटून द्वारा जबरदस्त फायरिंग की गई, करीब 15 से 20 मिनट फायरिंग चली, जिसके बाद 3 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, जिसमें एक बिरजू ककेम जो कि मिलिशिया प्लाटून का कमांडर है और दूसरा जो है अजय ओयामी जो कि मिलिशिया सदस्य है और तीसरा जग्गू ककेम जो कि RPC रेंज पार्टी कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। इनके खिलाफ 10 से ज्यादा अपराध विभिन्न थानों में है, उसकी अभी क्योंकि ये मिरतूर थाना में पड़ता है तो वहां से रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। हमारे प्रोफाइल में इनके नाम है और इनके मरने से निश्चित रूप से वहां शांति आएगी। 4 वेपन्स जो है कंट्री में, 3 वेपन जो है वो रिकवर हुआ है, 5 पिट्ठू रिकवर हुआ है, 1-2 किलो का ID हुआ है। वे टीम जो वापस 2 नक्सलिस्ट में इनामी है जो RPC का वाइस प्रेसिडेंट है और जो मिलिशिया प्लाटून का कमांडर है। मिलिशिया प्लाटून कमांडर के पास प्रोफाइल के हिसाब से इंसाफ हथियार रखता था, लेकिन आज निश्चित लगता है नक्सली जो है वो इंसाफ ले जाने में सफल रहे।